आप सभी का स्वागत है मीटू चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आईटीए के वर्कशॉप के बारे में देखेंगे कि वर्कशॉप हमारा कैसा होता है और एक आईटीए में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है वो कितना इम्पोर्टेंस है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है फ्यूचर में और ड्यूरिंग कोर्स पीरियड में क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, कुछ मशीन्स इक्विपमेंट्स के बारे में मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं वर्कशॉप के बारे में। तो जैसा एक इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप जो आईटीए का एक ट्रेड है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स, इस कोर्स में एडमिशन लेने का मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास है। आप हायर क्वालिफिकेशन में भी ले सकते हैं। तो इस कोर्स में जो एक 2 साल का वोकेशन ट्रेनिंग कोर्स है तो डीजीटी डायरेक्टर ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के द्वारा कराया जाता है। इस कोर्स में आपको इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट में आता है, इस कोर्स में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अगर एक इलेक्ट्रीशियन का वर्कशॉप हम देखें तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ये वर्किंग टेबल होता है जिसमें ट्रेनीज स्टूडेंट जो है वो काम करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं ऑन जॉब। और विभिन्न प्रकार के आपको इलेक्ट्रिकल में जो मोटर्स यूज होते हैं जैसे यूनिवर्सल मोटर्स, एसी मोटर, ये सारे यूज किए जाते हैं इसमें, दिखाई देंगे आपको। क्योंकि इनके ये जो आईटीए का जो इलेक्ट्रीशियन का 2 साल का जो कोर्स है ये सारे कोर्स में ही ये टूल्स एंड इक्विपमेंट शामिल है। कुछ मशीन इक्विपमेंट जैसे ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ये पैनल बोर्ड देख पा रहे हैं आप, इसमें एक हाउस वायरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट लोग ने प्रैक्टिकल करते हैं इसमें, और कुछ जॉब्स जो है ट्रेनिंग स्टूडेंट के द्वारा कराया गया ज्वाइंट का, वायर ज्वाइंट का, मीन्स इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल वर्क है वो एक बेसिक मैंने स्टार्टिंग से आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल ऑन जॉब कुछ सीखना चाहते हैं, फ्यूचर में अपने करियर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं तो आईटीआई ट्रेड जो आपका बेस्ट ऑप्शन है। इस तरफ भी आपको बहुत सारे मोटर्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मिलेंगे। और लॉकर्स में आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी दिखाई देंगे। क्योंकि आईटीआई का ट्रेड जो है एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के बेसिक से लेकर के एडवांस से लेकर आपका प्रैक्टिकल और स्किल आपको थ्योरी सभी को सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट पाए जाते हैं। 5 सब्जेक्ट, सबसे पहला आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिकल, दूसरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, तीसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन, चौथा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेंगे और कुछ इलेक्ट्रिकल के सर्किट डायग्राम और कुछ इक्विपमेंट्स का ड्राइंग मिलेगा आपको। और एक सब्जेक्ट है जो इंग्लिश ग्रामर और पर एटीट्यूड बिहेवियर और आपका आईटी कंप्यूटर का कुछ सिलेबस है जिसको जिसका नाम आपका एम्प्लॉयी स्किल। ये 5 सब्जेक्ट मिलकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें इन सभी का पढ़ाई होता है और एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद एक एग्ज़ाम में पास आउट करने के बाद सर्टिफिकेट आपको ऑर्डर मिलता है जो सर्टिफिकेट डीजीटी एनसीबीटी के द्वारा मान्यता अवार्डेड होता है। और ये 2 साल का कोर्स होता है, ईयरली अभी
ईयरली एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट ईयर में एक अलग एग्ज़ाम होता है, सेकंड ईयर में एक अलग एग्ज़ाम होता है, और सभी का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। ये बेंच वाइज है वर्किंग टेबल, यहाँ पे कम होते हैं और जहाँ तक मैं इसके फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते चलूँ कि ITI करने के बाद आप अगर अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के थ्रू पास आउट करके आप डिप्लोमा 2-3 साल का डिप्लोमा 2 साल डिप्लोमा भी कर सकते हैं और अप्रेंटिस भी कर सकते हैं। 1 साल का ऑन जॉब स्टाइपेंड ट्रेनिंग, इसमें आपको कुछ स्टाइपेंड सैलरी टाइप का स्टाइपेंड भी मिलेगा और 1 साल का ट्रेनिंग भी कराया जाएगा। आपका ट्रेड जो रहेगा इलेक्ट्रीशियन ही ट्रेड रहेगा और फ्यूचर में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट जो जॉब होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं आप। और एब्रॉड जॉब, गल्फ जॉब के लिए भी इसका अपॉर्चुनिटी बहुत सारा जाता है आपको। लेकिन आपको जब आप इस कोर्स को जब करिएगा आप, तो ऑन जॉब आपको जो भी प्रैक्टिकल कराया जाएगा वहाँ पे आप फोकस करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि सिर्फ ITI में कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के में, लेकिन पढ़ाई सही तरीके से नहीं करते हैं, ना वर्कशॉप करते हैं, ना थ्योरी को बढ़िया से पढ़ते हैं। जो वर्कशॉप के जो सर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, जो सिलेबस होता है उसको बढ़िया से पढ़ते नहीं है, बुक्स वगैरह जो भी सिलेबस दिया हुआ है 2 साल का उसको कवर अप नहीं करते हैं। और ITI का जो ये जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इसमें आप कंपिटिटिव टेक्निकल का जो एग्ज़ाम होता है जैसे DRDO, ISRO, SAIL, BEL, इसका भी वैकेंसी जॉब आते रहता है, तो वहाँ भी अप्लाई करके आप कंपटीशन तैयारी करके आप उसका एक गवर्नमेंट जॉब में भी अपने करियर को बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और आशा करते टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको मेरे चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आशा करते टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।